धेनु सेवा संस्थान शहडोल के कार्यों से प्रेरित होकर सतना के एक युवक ने गौ सेवा का कार्य सतना में शुरू किया। रिसोर्सेस और मैन पावर के बिना ही यह मुश्किल कार्य ऋषि त्रिपाठी सतना में पिछले 2.5 साल से कर रहे हैं। दोस्तों, धेनु सेवा संस्थान शहडोल की तरह ही धेनु सेवा संस्थान सतना की शुरुआत जो है वो गाय माँ को भोजन कराने से हुई थी। आज से 2.5 साल पहले चित्रकूट रोड में ऋषि त्रिपाठी गाय माँ को भोजन कराते हुए यह पाते हैं कि वहां पर एक चोटिल गाय माँ पड़ी हुई है, एक्सीडेंट में जिनके पीछे के दोनों पैर टूट चुके हैं। दोस्तों, वहां पर कोई भी साधन न होने के कारण बहुत देर तक इंतजार और प्रयास के बाद उन्हें एक पिकअप मिली। उनको उन्होंने पिकअप में रखा और लोगों ने वहां पर उनकी हेल्प नहीं की उनको शेल्टर देने में, तो ये डायरेक्ट उनको अपने घर ले आए, अपने घर पर रख के उनकी सेवा की। तो दोस्तों, इस तरह से धेनु सेवा संस्थान सतना की शुरुआत हुई। धेनु सेवा संस्थान सतना में अभी कुछ ये कार्य चल रहे हैं, जैसे गाय माँ को भोजन कराना, उनका रेस्क्यू कराना, जो भी थोड़ा चोटिल है वहां पे उनका ऑन द स्पॉट जाके ट्रीटमेंट करना, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना और उनको गरीबों में वितरण करना। साथ ही वहां पर काऊ डंग फ्लावर पॉट मेकिंग भी शुरू है, जो कि हम गरीबों को भी बांटते हैं और लोग उन्हें खरीद भी सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, इसके साथ ही धेनु सेवा संस्थान सतना की टीम ने रिफ्लेक्टिव कॉलर्स अपने पूरे एरिया पर लगा रखे हैं, जिससे एक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम हुई। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूं कि गौ सेवा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास गौ सेवा का भाव होना जरूरी है। इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है, वो व्यक्ति अकेला है, उसके पास कोई मैन पावर, कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी हार नहीं मानी, घर पर रख कर अपनी गौवंश की, गौ माँ की सेवा की है। जहां पे उनकी कार पार्क होती थी और घर में उनका गार्डन था, उन सबको उन्होंने हटा करके सिर्फ गौ माँ और गौवंश के लिए वहां पर स्पेस क्रिएट किया, मेडिकल फैसिलिटीज अरेंज की। दोस्तों, आज वो घर पर ही गौ सेवा कर रहे हैं और बहुत अच्छे से सभी सेवाएं वहां पर चल रही हैं। यदि दोस्तों आपको अभी भी ऐसा लगता है कि गौ सेवा करने के लिए आपको टीम की जरूरत है, उनकी चिकित्सा करने के लिए टीम की जरूरत है, तो मैं आपको कहूंगा, आप जितने भी लोग हैं या आप अकेले हैं, आप खाना खिलाना, भोजन कराने से शुरुआत कर सकते हैं। और देखिए, आगे बढ़ते बढ़ते इस कहानी में भी कैसे हम खाना खिलाने से लेकर ट्रीटमेंट तक पहुंच गए। तो दोस्तों, बिल्कुल भी झिझक ना रखें, अगर आपके मन में गौ सेवा का जरा भी भाव आ रहा है तो आप तुरंत कदम आगे बढ़ाएं और जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमें ज्वाइन करें। धन्यवाद।